क्या मामला है बताइए। सर हमारी शादी 31 मई 2014 को लखनऊ में आर समाज मंदिर से हुई थी। उसके बाद हमारे हस्बैंड ने मतलब अपने घर वालों को शादी के बारे में सारी मतलब जानकारी दे दी थी, तो हमारे सास ससुर हमारे घर लखनऊ आए हमसे मिले ले, तो वो शादी को हमारी एक्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन हमें वो बलरामपुर कभी लाने के लिए एग्री नहीं हो रहे थे। हमने बहुत बार प्रयास किया लेकिन हमारे हस्बैंड कभी इस पर तैयार नहीं हुए। मेरे ऑपरेशन पढ़ाई का बहाना। क्या कारण था नहीं ला रहे थे? फिर हम पैरों से हैंडीकैप हैं, उसकी वजह से वो हमें यहाँ बलरामपुर नहीं ला रहे थे। जब हमारा ऑपरेशन वगैरह हुआ तो हम मतलब व्हील चेयर वगैरह पे आ गए, हमने काफ़ी उनसे कहा कि हमें घर ले चलिए, तो वो नहीं आए, नहीं ला लेकर आए हमें यहाँ। उसके बाद हमारे सास ससुर हमारे घर आके रहे और हमसे कहने लग गए कि हमें मतलब दहेज वगैरह चाहिए तुमसे, हमें दहेज वगैरह सब दो, उसके बाद हम तुम्हें बलरामपुर ले जाने के लिए तैयार होंगे। तो उसके लिए हम हमारी मम्मी अकेली जॉब कर दिए। हमने घर परिवार वालों को भी फ़ोन किया तो कोई भी फ़ोन का जवाब नहीं देता था। कितने साल हो गए शादी को? शादी को सर 5 साल हो गए। आप आए थी तो रात में कहाँ रुकी थी? लखनऊ से सर आए तो हम लोग स्टेशन पे रहे रात भर, और फिर सुबह उठ के वहाँ पे गए, ठंड में यहाँ गए, रात भर पूरे ना कोई बिस्तर से लाई हूँ ना कुछ लाई थी, और ठंड में हम लोग और माँ बेटी गुजारा किए। उसके बाद सुबह पी गए तो फिर उन लोगों ने गेट खोलने लगा कुछ जवाब दिया। तो उसके बाद कहाँ आई? फिर सीधा चौकी में हम आए थाने में। जी दरखास्त दिया आपने? दरखास्त अभी। क्या मामला था पूरा? सर यही है, हमारे मतलब जब लड़की की हमारी शादी हुई है, शादी के बाद में हमारे साथी में हमारा दमाद रहता था, और उसके बाद में आज के घर वाले भी आने जाने लग गए, तो घर वाले आने जाने लग गए, तो फिर उसके बाद में हमने कहा कि चलो अब अच्छा है, सब लोग कैदे से रहते हैं तो हमारा दमाद यहीं पढ़ाई लिखाई है, ये भी पढ़ाई लिखाई कर रही, बीच में ये कहा गया कि भैया वहाँ ले क्यों नहीं जाते हो, तो कहा कि पहले पढ़ाई पूरी हो जाने दो, पैसन हो जाने दो पाएगा, जब थोड़ा बोटी हैंडीकप थी इसलिए वो लेके नहीं जा रहा था। उसके बाद में हम लोग ने जो पकड़ा तो उन्होंने कहा कि उनके माँ बाप आए, माँ बाप से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि जो हमारे वहाँ मांग है पूरी दहेज की है, सब कहा वो करिए पूरा। लखनऊ की रहने वाली राधिका त्रिपाठी की शादी यहाँ बलरामपुर के रहने वाले श्याम सूरत पांडे के साथ हुई थी। ये इन दोनों ने शादी परिवार की रजामंदी के साथ लखनऊ के आर्य समाज मंदिर में की थी, जिसके बाद दोनों के परिवार राजी हो गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और लड़की विकलांग थी, इस वजह से दहेज के लोभियों की मांग बढ़ती गई और उन्होंने ज़्यादा दहेज मांगने के कारण लड़की को अपने घर लाने से मना कर दिया। इस बाबत पूरे मामले में जब राधिका कल रात बलरामपुर पहुंची और उन्होंने एसपी के यहाँ और तमाम उन आला अधिकारियों के यहाँ तहरीर दी तो मामला सामने आया।